रोहन सक्सेना प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल के नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है। अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। जनाब रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, न केवल हिंदुस्तान में, यानी जनाब अगर आप अपनी नजरें उठाकर इस दुनिया के हर एक मुल्क में नजर डालें जहां पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए नागरिक रह रहे हैं। देखिएगा जनाब, मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ हर एक नागरिक रमजान के पाक महीने में रोजा रखता है, पांच वक्त नमाज पढ़ता है, इफ्तार करता है, और तो और रमजान के पाक महीने में एक ईशा की नमाज के बाद तरावी होती है। जनाब ये समझ लीजिए कि ये तरावी की नमाज रमजान की एक स्पेशल नमाज है। लेकिन जनाब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के लाजपत नगर के जाकिर साहब को अपने घर में, यानी जनाब अपने घर के निजी गोदाम में तरावी की नमाज पढ़ना बड़ा महंगा पड़ा। जनाब मामला कुछ यूं है कि आज से दो दिन पहले जाकिर नाम का व्यक्ति, जो कि मुरादाबाद के लाजपत नगर का रहने वाला है, उसने अपने घर में अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ, जो कि उसका खुद का निजी मकान था, वहां पर तरावी की नमाज पढ़ना शुरू किया। जनाब प्रशासन ने साफ कह रखा है कि रोडों पे नमाज नहीं होगी। जब रोडों पे नमाज नहीं होगी और मस्जिदों में जगह की कमी हो जाएगी, क्योंकि जनाब हर एक मुस्लिम शख्स रमजान में अपनी नमाजों को कजा नहीं करता, तो जाहिर सी बात है मस्जिदों में जगह की कमी हो जाती है। तो जनाब लाजपत नगर के जाकिर ने अपने गोदाम में नमाज पढ़ाने का शुरू किया। लेकिन जनाब अपने घर में, खुद के निजी घर में नमाज पढ़ना जाकिर जी को बड़ा महंगा पड़ गया। इससे बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो गई, जिसके बाद तरावी की नमाज को पहले प्रशासन द्वारा बंद कराया गया और आज की डेट में प्रशासन ने खुद के घर में, निजी घर में, जहां पर इंसान अपने घर में कुछ भी कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, कथाएं कर सकता है, भगवत गीता या रामायण के पाठ पढ़ सकता है, लेकिन एक मुस्लिम व्यक्ति अपने घर में अपने रिश्तेदारों के साथ सामूहिक नमाज नहीं पढ़ सकता है। प्रशासन ने 5-5 लाख रुपए के नोटिस भिजवा दिए। जनाब मुरादाबाद के प्रशासन ने जो जाकिर के साथ 5-5 लाख रुपए के जुर्माने के द्वारा कार्यवाही की है, कि जनाब इससे ये साबित होता है कि कानून अंधा नहीं है, कानून के रखवाले अब अंधे हो चुके हैं, गुलामी की जंजीरें उनके कदमों में पड़ चुकी हैं। उसका जीता जागता सबूत मुरादाबाद के प्रशासन के द्वारा जाकिर के घर में 5-5 लाख रुपए का भेजा गया नोटिस है।